हाय लविंग स्टूडेंट्स, आइए मुकेश कुमार मुकेश सर की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक स्टोरी लेकर आए हैं ट्वेल्थ और हाई स्कूल बच्चों के लिए जो एग्जाम आने वाला है, और हम एक ट्रिक के माध्यम से आपको स्टोरी बनाना सिखाएंगे। आप कॉपी पेंसिल लेकर बैठ जाइए, चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिक के माध्यम से स्टोरी बनाना। जैसे कि सेंटेंस है, हमारे विद्यार्थियों के सामने आज अनेक समस्याएं हैं, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हमें क्या लेना है इसमें, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, हमारे विद्यार्थी। तो हमारे विद्यार्थी क्या आएगी, आवर स्टूडेंट्स, ठीक, हमारे विद्यार्थियों के सामने अनेक समस्याएं। इसके मतलब समस्याएं रखते हैं, है नहीं, यानी कि ऐसा मानो अगर हम इजारम का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस का सेंस बिल्कुल गलत हो रहा, लेकिन हम अगर लगाएंगे क्या, हैज हैव का प्रयोग करेंगे, जो हमने एक वीडियो के माध्यम से हैज हैव का प्रयोग आपको सिखा भी दिया है, आप हमारे लिंक देख लेना। तो इसमें करेंगे हैव का प्रयोग, तो द आवर स्टूडेंट्स हैव अनेक समस्याएं, तो अनेक समस्या क्या आएगी, मैनी प्रॉब्लम, ठीक, आज की टूडे। तो ये हो गया आवर स्टूडेंट्स हैव मैनी प्रॉब्लम्स टूडे। फिर उसके बाद में उन्हें यह समझना चाहिए, तो पहला हमें इसने बनाना होगा, उन्हें यह समझना चाहिए, तो उन्हें की मीनिंग दे, चाहिए की मीनिंग शुड का प्रयोग करते हैं, और समझने की मीनिंग आती है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड समझना चाहिए, दैट की शिक्षा का लक्ष्य केवल सरकारी नौकरी नहीं है। तो क्या मतलब नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य है, शिक्षा का लक्ष्य है, तो लक्ष्य क्या आएगी, एम ऑफ, मतलब जैसे कि अगर सेंटेंस शिक्षा का लक्ष्य है तो हम पहले दर्शा बनाना शुरू करेंगे, तो पहले लक्ष्य की लिखेंगे, फिर का की मीनिंग आ गई, फिर शिक्षा की, एजुकेशन, एजुकेशन, इसमें इज का प्रयोग करेंगे, इज लगाएंगे, नहीं की मीनिंग नोट का प्रयोग करेंगे, और केवल आया इसमें, तो केवल के लिए एज जस्ट का भी प्रयोग कर लेते हैं और ओनली का प्रयोग भी कर लेते हैं, तो नोट ओनली। सरकारी नौकरी की आएगी गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जॉब, ठीक, ये हो गया सेंटेंस। अब भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसका मतलब इंडिया, तो लिखेंगे पहले इंडिया इज है कृषि प्रधान देश, तो पहले कृषि की लिखेंगे, तो एक माना जाता है, तो इसमें एन का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि जब एग्रीकल्चर लिखेंगे तो एग्रीकल्चर में हमारा एक वो भी ला जाएगा, तो लिखेंगे इसे एग्रीकल्चर, ठीक। उसके बाद प्रधान देश, तो प्रधान देश की जो मीनिंग आती है वो आती है डोमिनेटेड, तो डोमिनेटेड, और देश की कंट्री, ठीक। अब देखिए, यदि यहां पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की दरिद्रता यानी कि गरीबी दूर हो सकती है, तो इसका मतलब है यदि, तो यदि की मीनिंग आती है इसमें इफ, पढ़े लिखे लोग, तो पढ़े लिखे लोग क्या होगी, एडुकेटेड पीपल, एडुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग ध्यान दें, तो इसका मतलब पे अटेंशन, ध्यान देने की मीनिंग पे अटेंशन, किसकी ओर, खेती की ओर, तो खेती की ओर की, ऑन एग्रीकल्चर, ठीक, कोमा लगाएंगे क्योंकि यहां क्या आ गया, कोमा लगा हुआ है, तो हम लोगों की दरिद्रता दूर हो सकती है, तो इसका मतलब हम लोगों की, तो हम लोगों की मीनिंग लिख देंगे इसमें प्यूपिल, अपोस्ट्रोफी लगा लो कागे के लिए, और दरिद्रता क्या आएगी, गरीबी, इसका मतलब पॉवर्टी, दूर हो सकती है, सकता सकती है, तो वहां किसका प्रयोग करते हैं, कैन का, कैन के बाद में दूर होने की क्या लिखेंगे, तो इसका मतलब कैन बी रिमूव, दूर हो सकती है, रिमूव मीन्स दूर हो सकती है। उसके बाद हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, तो इसका मतलब हमारे गांव में सुधार की जरूरत है, तो सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो जरूरत है, सुधार की जरूरत है, इसका मतलब जिसके पास में है, तो वहां हम इट का प्रयोग कर लेते हैं,
तो इट इज नेसेसरी, आवश्यक है सुधार की, तो टू इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। कहाँ? हमारे गांव में। तो मे की मीनिंग इन, हमारे की, आवार और गांव की विलेजेज, हमारे गांव में सुधार की आवश्यकता है। तो ये है। अब शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांव का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो पहले से बनाएंगे शिक्षित व्यक्ति, तो शिक्षित व्यक्ति क्या लिखेंगे? एडुकेटेड पीपल, पढ़े लिखे लोग, शिक्षित व्यक्ति कहाँ रहने लगेंगे? गांव में रहने लगेंगे। तो विल लिव कहाँ? गांव में। तो इन द विलेजेज, गांव में रहने लगेंगे तो उन गांव का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो सामाजिक जीवन बदल जाएगा उन लोगों का, तो लिखेंगे द सोशल लाइफ ऑफ द विलेजेज, मतलब गांव के, जो गांव का सामाजिक जीवन है वो बदल जाएगा। यानी कि इसमें वुड का प्रयोग कर लेंगे, गागी गाने पर विशाल का भी लगा सकते हैं कि वुड लगाएंगे, तो वुड बिल्कुल की लिखेंगे कंप्लीटली, कंप्लीटली चेंज, बिल्कुल बदल जाएगा। तो मैं समझता हूं कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, आपको बनाने का तरीका समझ में आ गया होगा। तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाइए, और जो पढ़ाने में और पढ़ने का जो आनंद है वो दूसरों को शेयर करने में ही होता है। तो इसलिए जब तक के लिए, अगली वीडियो साथ फिर प्रस्तुत होंगे, जब तक के लिए गुड बाय, ओके।